वेलकम टू ऑल इन वन। आज के टॉपिक है एक हाइपोसाइक्लॉइड। आज हम लोग देखेंगे एक हाइपोसाइक्लॉइड कैसे बनाते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है, कंस्ट्रक्ट ए हाइपोसाइक्लॉइड रोलिंग सर्कल 50 mm डायमीटर एंड डायरेक्टिंग सर्कल 175 mm डायमीटर। ड्रॉ ए ट्रांजेंट टू इट एट ए पॉइंट 50 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायरेक्टिंग सर्कल। तो क्वेश्चन में है, रोलिंग सर्कल है 50 mm और जो है डायरेक्टिंग सर्कल वो है 175 mm। तो देखते हैं कैसे ये सारे ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है रोलिंग सर्कल 50 mm, ठीक है, मतलब रोलिंग सर्कल का डायमीटर जो हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करेंगे वो है 50 mm का। तो इसका रेडियस होगा वो हम लोग स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं वो है 25 mm का, ठीक है। अब जो हम लोगों का डायरेक्टिंग सर्कल है वो है 175 mm। तो डायरेक्टिंग सर्कल हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करेंगे वो है 175 mm एंड उसका जो कैपिटल आर मतलब रेडियस होगा वो होगा 175/2 इक्वल्स टू 87.5 mm। यहाँ पे पहले 87.5 mm को लेके मतलब एक रेडियस लेके हम लोग एक कर्व बना लेंगे। तो यहाँ पे 87.5 यहाँ पे आर्क बनाना है। इसके बाद यहाँ से सेंटर पॉइंट से एक पॉइंट में जोड़ लेंगे, जोड़ लिया है। अभी जो स्मॉल सर्कल है जो रोलिंग सर्कल वो है उसका रेडियस है 25 mm। तो यहाँ पे 25 mm एज रेडियस यहाँ पे और एक सर्कल बनाएंगे। तो पहले स्टार्टिंग पॉइंट से एक मार्क लगाएंगे और इस मार्क पे सेंटर पॉइंट करके एक सर्कल बना लेंगे। हो गया। अभी ये सर्कल इस वाला जो सर्कल का जो कर्व है उसके ऊपर ऐसे रोल करते हुए इधर तक आएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट दे रहे हैं पी, ये पॉइंट को पी नोट कर रहे हैं। जो जो पी जो है वो इस सर्कल को जब यहाँ पे रोल करते हुए आएगा पी पॉइंट ऐसे 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 इधर इधर होके यहाँ पे कंप्लीट होगा। कहाँ पे कंप्लीट होगा वो हम लोगों को निकालना है। उसके लिए एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे है फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू 360 इंटू स्मॉल डी बाय कैपिटल डी। तो क्या होगा यहाँ पे 360 इंटू 50/175। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करके रखे हैं वो है 102.8 डिग्री, 102.8 डिग्री का यहाँ पे एक लाइन हम लोगों को लेना है। मतलब इस लाइन से 102 डिग्री में और एक लाइन लेना है। अब लोग कंपास का यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो स्केल है मैं इससे ही मेज़र करूँगा। यहाँ पे यहाँ हो गया 100, 100, 101, 102 यहाँ पे। तो ये दो लाइन जोड़ लेंगे। यहाँ पे जो सर्कल हमारा बना है ये हम लोगों का है 102 डिग्री का, 102.8 डिग्री हो गया। अभी इस सर्कल को हम लोग 8 हिस्सों में बांटेंगे। 8 हिस्सों में कैसे बांटेंगे, यहाँ पे दो हिस्सा पहले से ही है
उसके बाद यहाँ पे हो गया चार हिस्सा। अभी 45 डिग्री एंगल से हम लोग इसको बांट लेंगे। अभी इन सारे पॉइंट को नाम देंगे हम लोग। इन सारे पॉइंट का नाम एक दो करके दे देंगे। यहाँ पे देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये पॉइंट है 8, मतलब इसमें पी दिया हुआ है। इसके बाद हम लोगों को ये जो पॉइंट, ये सर्कल जब रोल होगा तब नंबर 1 जो पॉइंट है ये कहाँ आएगा, इस लाइन के ऊपर कहीं यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, ऐसे ऐसे आ जाएगा। तो ये सारे पॉइंट कहाँ कहाँ पे आएगा, कौन कौन से पॉइंट पे आएगा, उसको निकालने के लिए हम लोगों को इस जो एंगल है इसको पहले बाइसेक्ट करना होगा। यहाँ पे ये पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेके हम लोग यहाँ से कर्व बनाएंगे, 7 में रख के, 7 में लेके जब बनाएंगे 7, 1 एक ही लाइन में कनेक्ट हो गए हो जाएगा, होना चाहिए। उसके बाद सेम पॉइंट 6 में, सेम में सेंटर 6 में लेके 6 और 2 एक ही लाइन में आएगा, हो गया। उसके बाद 5 से लेके 5 और 3 एक ही पॉइंट में चलाएगा। उसके बाद 4, ठीक है, अब 4 में यहाँ आ जाएगा, हो गया। तो अभी क्या करेंगे, इस एंगल को हम लोगों को यहाँ जो 8 डिवीज़न है, 8 डिवीज़न में इस एंगल को बांटना है। तो इसके लिए हम पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ड्राइंग ख़राब ना हो जाए। यहाँ पे जो बहुत सारे हम लोगों को डिवाइड करना है तो इसीलिए ड्राइंग थोड़ा गंदा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे मैं पेंसिल पे से दिखा रहा हूँ। तो इस एंगल को पहले बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बाइसेक्ट करने के लिए पहले यहाँ पे किसी भी एक माप लेके यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ एक मार्क लगाना है, ठीक है। यहाँ एक लगाए, उसके बाद यहाँ एक, हो गया, एक पॉइंट मिला है। अब इसको अगर हम लोग कनेक्ट कर दें तो ये एंगल बाइसेक्ट हो चुका। उसके बाद इस एंगल को फिर से और इस एंगल को फिर से बाइसेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे भी दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे। हो गया। अभी 1, 2, 3, 4 सिर्फ 4 ही डिवीजन हुए हैं। ये सारे जो एंगल्स हैं इनको भी हम लोगों को सेम तरह से बाइसेक्ट करना है। तो हम लोगों का बाइसेक्ट हो चुका है। अभी ये 1 पॉइंट जब रोल करेगा तब यहाँ पे आएगा, ये नाम देते 1 डैश, ये 2 आ जाए यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे और यहाँ पे लास्ट पे आ जाएगा P, मतलब यहाँ पे हम लोग 8 डैश दे रहे हैं अभी के लिए। उसके बाद वो यहाँ पे हम लोगों का O लगाना है मार्क, यहाँ से सेंटर पॉइंट इसको लेके O पे रख के एक और एक कार्ड बनाना था यहाँ पे, ये यह हो गया। अभी
हम लोगों को 25 मिलीमीटर एज रेडियस लेना है। यहाँ पे जो सर्कल था वो 25 मिलीमीटर रेडियस का था, ये ले चुका है। उसके बाद ओ से जो कार्ब गुजरा है उस कार्ब को फर्स्ट लाइन जो इंटरसेक्ट किया है, मतलब वन डैश वाला लाइन, वन वन डैश वाला जो लाइन, ठीक है, वन डैश वाला जो लाइन ओ का जो कार्ब को इंटरसेक्ट किया है, वहाँ से लेके यहाँ पे जो वन से जो लाइन गुजरा है, मतलब 17 से जो कार्ब गुजरा है वहाँ पे एक मार्क लगाना है। तो पॉइंट ले लेंगे ये वाला, इसको हम नाम देंगे P1, ठीक है। सेम यहाँ पे जो सेकंड लाइन मतलब 2' का जो लाइन है वो जो सेंटर का कार्ब से क्रॉस किया यहाँ पे, यहाँ से हम लोग ये 2-6 वाला कार्ब है, मतलब ये वाला कार्ब जो जा रहा है 2-6 वाला, यहाँ पे रख के उसको एक कट लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा P2। उसके बाद सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। 3-3' से जो लाइन गया है वहाँ से जो 3-5 वाला लाइन है उसको एक बार काटना है, कट लगा के यहाँ पे P3। अब सेम प्रोसीजर फॉलो करके बाकी सारे लाइंस को ले लेना है, मतलब बाकी सारे पॉइंट्स को यहाँ पे लाना है। अब सारे पॉइंट्स हम लोगों को मिल चुका है, ये जो पॉइंट्स मिले हैं P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, इन सारे पॉइंट्स को हम लोगों को एक कार्ब के मदद से जोड़ लेना है। तो मैं यहाँ पे फ्रेंच कार्ब का यूज़ करूँगा। ये हम लोगों का कार्ब बन चुका है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देख लेंगे कि ये वाला है हम लोगों का जो डायरेक्टिंग सर्कल, इसका जो हम लोगों का रेडियस था वो है 87.5 mm का, और ए सर्कल जो था वो हम लोगों का रोलिंग सर्कल, सॉरी इसका जो रेडियस था वो है 25 मिलीमीटर का। अभी यहाँ पे हम लोगों का एक टेंजेंट बनाना है, कहाँ पे 50 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायरेक्टिंग सर्कल। तो इसलिए हम लोगों का एक 50 mm का जो रेडियस है वो लेना पड़ेगा। 50 mm रेडियस लेके यहाँ पे सेंटर पॉइंट में रख के इस कार्ब को काटना है, इस कार्ब के ऊपर एक मार्क लगाना है। यहाँ पे हम लोग 50 mm का एक मार्क ले लिया है, यहाँ से यहाँ पे एक मार्क लगा दिया है, यहाँ पे जो पॉइंट आया है वो है ये वाला। अभी इस सर्कल में जो 25 mm का रेडियस था छोटे सर्कल में, वो रेडियस लेके इस वाले पॉइंट पे रख के जो सेंटर से गुजरा हुआ कार्ब था, मतलब ओ से जो कार्ब गया है उसके ऊपर एक
और एक मार्क लगाना है। अभी उन दोनों लाइन को, मतलब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ने के बाद एक्सटेंड करना है, और इन दोनों पॉइंट को जोड़ना है। तो ये वाला रेड वाला जो लाइन आया है वो इस कर्व का ऊपर जो नॉर्मल आ गया है। अब इस नॉर्मल जब आ गया है तब लाइन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसका नॉर्मल का हम लोग एक परपेंडिकुलर ले लेंगे तो ही यहाँ पे हम लोगों का जो टेंजेंट है वो आराम से आ जाएगा। अभी ये जो लाइन हम लोगों ने बनाया है ये हुआ टेंजेंट। ये वाला पॉइंट टेंजेंट और ये वाला जो पॉइंट है 5-2, यहाँ से यहाँ पे ये हो गया हम लोगों का नॉर्मल। तो ये आप लोगों ने देखा है एक हाइपोसाइक्लोइड का ड्राइंग।